दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निकोला टेस्ला में। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप इंग्लिश की लैंग्वेज और इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, और वो भी दोस्तों फ्री में। और दोस्तों, आपको कोई कोचिंग जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इस एप्लीकेशन से कोचिंग से भी अच्छे तरीके से इंग्लिश सीख सकते हैं। दोस्तों, हम सबको इंग्लिश आती तो है, लेकिन टूटी फूटी आती है। दोस्तों, हमें इतनी इंग्लिश तो आनी ही चाहिए कि हम किसी से इंग्लिश में बात कर सकें, हम इंग्लिश में इंटरव्यू दे सकें, और यह आपको इस एप्लीकेशन से सीखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस एप्लीकेशन को मैंने पर्सनली यूज़ किया है, मुझे एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ही पसंद आई। तो दोस्तों, अब उस एप्लीकेशन पर आपको ले जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि इस एप्लीकेशन में क्या क्या फ़ीचर्स है और इसमें मुझे क्या क्या अच्छा लगा। तो दोस्तों, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक और एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें शुरू से इंग्लिश सीखना है, मतलब कि जो हिंदी मीडियम से। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हों तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, चलते हैं उस एप्लीकेशन पे। तो दोस्तों, अब हम इस एप्लीकेशन पे आ चुके हैं। ये आप ओपन करोगे तो ये एप्लीकेशन कुछ ऐसी दिखेगी। तो मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो दोस्तों, इसकी अब बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर मेरे को ये बात अच्छी लगी कि इसके अंदर लेवल के अंदर लेवल्स है, और हर एक चीज़ के लिए एक पूरी लेवल्स है। यानी कि देखिए, ये एम आर, और इसके लिए ये पूरी उसके लिए ही है। इसमें कॉन्ट्रेक्शन एम आर, इसके लिए नेगेटिव यूसेज क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स ने, फिर वर्ब्स के लिए नेगेटिव है, फिर क्वेश्चन है, फिर शॉर्ट आंसर है, फिर और भी बहुत कुछ। फिर देखिए, ये वॉज वेयर के लिए, फिर उसमें नेगेटिव आते हैं, फिर क्वेश्चन आते हैं, फिर शॉर्ट्स आते हैं, और फिर इसमें आर्टिकल्स में बहुत सब कुछ आता है। इसमें उसके लिए एक एक लेवल आती है। तो देखो, मैं आपको एक लेवल खेल के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, वॉट, ये देखिए आप, ये ग्रीन लाइन देख रहे हैं, इसको यहाँ तक पूरा फिनिश तक भरना पड़ता है, और ये इतना आसान नहीं होता। इसके लिए आपको इंग्लिश तो आनी चाहिए, और अगर नहीं आती तो ये आपको सिखा कर ही छोड़ता है, क्योंकि यहाँ इस ग्रीन लाइन को यहाँ आखिरी तक ले जाना पड़ता है आपको। डू यू डू, फिर बाद में देखो यहाँ पे ये ख़त्म भी हो जाता है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये रूल्स दिख रहे हैं आपको, ये रूल्स आते हैं, अगर कुछ टाइम बाद अगर हम सही करते तो ये चले जाते हैं। और इसमें ये खास है कि अगर आप लेवल को पार नहीं करते तो जब तक आप आगे नहीं जा सकते हो। ये देखिए, मैं आपको एक खेल के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मुझे तो ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी, एक बार आप भी इसे ट्राई ज़रूर करना। तो दोस्तों, आप ये एप्लीकेशन ट्राई ज़रूर करना और कमेंट में बताना ज़रूर कि आपको ये एप्लीकेशन कैसी लगी। तो दोस्तों, अब हम हमारी दूसरी एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, उस एप्लीकेशन का नाम है हेलो इंग्लिश। दोस्तों, मैंने जो एप्लीकेशन बताई उससे आप इंग्लिश की लैंग्वेज अच्छी तरह से सीख जाओगे, लेकिन वो एप्लीकेशन पूरा इंग्लिश में है। जिनको इंग्लिश थोड़ी आती है उनके लिए वो एप्लीकेशन बेस्ट है, और जिनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में चाहिए उनके लिए हेलो इंग्लिश बेस्ट है। और दोस्तों, ख़ास बात ये कि ये एप्लीकेशन चाइनीज़ एप्लीकेशन नहीं है। तो दोस्तों, आप इन एप्लीकेशन को यूज़ ज़रूर करना और कमेंट करके बताना ज़रूर कि इनमें से आपको कौन सी एप्लीकेशन अच्छी लगी। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।